हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम अजवाइन का पाउडर बनाने जा रहे हैं। यह अजवाइन का पाउडर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अजवाइन एक मसाला भी है और एक औषधि भी है। हमारे घर में किसी को भी गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम, अगर हम एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ले लेंगे तो हमारी जो भी समस्या है उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा हमको। तो आइए हम पाउडर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कटोरियों में अजवाइन लिया है, 200-200 ग्राम के लगभग 400 ग्राम अजवाइन ले ली है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे 200 ग्राम अजवाइन, यानी एक कटोरी डाल देंगे। अब हम इसको रोस्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाएगी, लो फ्लेम पर करनी है हमें, कुछ सेकेंड के लिए करनी है, बस खुशबू आने लग जाए इतनी ही रोस्ट करनी है अजवाइन को। तो यह अजवाइन का पाउडर मैं पूरी साल के लिए बना के रख देती हूँ, कांच के डब्बे में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर हम सूखी चम्मच डालकर ले लेंगे, एक चम्मच उसी में रखेंगे, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा हमारा पाउडर। अब हम मिक्सर जार ले लेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे ये जो अजवाइन सेकी है उसको डाल देंगे। अब हम डाल देंगे यहाँ पर जो एक टोरी बिना सेकी रखी थी उसको डाल देंगे, और इस अजवाइन को डालने के बाद में थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये भी हमारी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। अब हम डाल देंगे दो चम्मच मेथी, तो ये भी डाइजेशन का काम करेगी। अब हम डाल देंगे यहाँ पर नमक, जो खाने में खाते हैं वही नमक डाल रही हूँ मैं, और दो चम्मच के लगभग डाल देंगे यहाँ पर सेंधा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि जो अजवाइन होती है वो थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए नमक ठीक ठाक डालेंगे ताकि अजवाइन हमें कड़वी ना लगे। तो इस अजवाइन के पाउडर को बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर इसकी फाकी देंगे बच्चों के, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, अगर मोटा होगा तो बच्चों को लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। तो आप इस पाउडर को पूरी साल भर के स्टोर करके रख सकते हैं, कांच के डब्बे वगैरह हम भर के रख देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये पाउडर। ये नुस्खा आप ज़रूर अपना के देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स दोस्तों, टाटा, टेक केयर।